हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उनका पेट भी अच्छे से भर जाएगा, डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएगा और बच्चों को नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी, साथ ही वज़न बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है। तो फिर चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे चम्मच चावल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर टुकड़ी वाला चावल लिया है, आप चाहें तो साबुत चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे। तो बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसे इस तरह से मिक्स करते हुए वॉश कर लेते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से हम इसे दोबारा वॉश कर लेंगे। तो टोटल हमें इसे 2 बार वॉश करना है। तो ये देखिए, चावल को मैंने वॉश कर लिया है और अब इसमें हम आधा कप के लगभग पानी और डाल देंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। और अब इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे कि चावल अच्छे से फूल जाएगा। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए, चावल भी अच्छे से फूल गया है। और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने ये ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम जो भीगा हुआ चावल है इसे डाल देंगे और इसे हम पानी सहित ही डाल देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने घर के छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चावल को मैंने जार में डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो चावल ग्राइंड हो चुका है ये देखिए, और अब इसे हम छान लेंगे। तो इसे छानने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हम छलनी लगा देते हैं। और अब इसमें हम ये जो पिसा हुआ चावल है इसे डाल देंगे। और अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे, अच्छे से प्रेस करते हुए। तो ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है और अब इस पे ये जो एक्स्ट्रा चावल ऊपर बच गया है इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और अब इसे थोड़ा सा मिलाते हुए इसे भी अच्छे से हम छान लेंगे। तो मैंने इसे एक बार छान लिया है और अब इसे हमें फिर से छानना है। तो हम इसे 2 बार छानेंगे, इसके लिए मैंने एक बाउल और ले लिया है, इसके ऊपर हम फिर से छलनी लगा देते हैं। और अभी जो मिक्स हमने तैयार किया है इसे हम छलनी में डाल देंगे और इसे दोबारा से छान लेते हैं। तो टोटल हमने इसे 2 बार छान लिया है। तो आपको भी इसी तरह से चावल को पीस कर छान कर तैयार कर लेना है। और अब गैस पर मैंने स्टील की कढ़ाई रख दी है और ये हल्की गर्म हो चुकी है। अब इसमें हमने जो चावल का लिक्विड तैयार किया है इसे हम डाल देते हैं कढ़ाई में, और इसी के साथ हम इसमें आधा ग्लास के लगभग पानी और डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, और इसमें चम्मच लगातार चलाते रहेंगे। तो लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है और ये हल्का हल्का फूलने भी लग गया है। तो बस इसी तरह से इसमें हमें चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो लगभग 2 मिनट और हो चुके हैं इसे पकाते हुए, और इसी समय पर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे जिससे कि और अच्छे से पक जाएगा। तो 1 कप के लगभग पानी मैंने कढ़ाई में और डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे बिल्कुल लम्प्स फ्री होने तक और इसे अच्छे से पकने देंगे। तो थोड़ा सा पानी और मिलाने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए और पका लिया है। चावल अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो बस इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच नमक। मिक्स कर लेंगे इसे। तो नमक को भी मैंने अच्छे से मिला लिया है और ये हमारा छोटे बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से लिक्विड फॉर्म में ये आ गया है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारा सुपर हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड आपके घर के छोटे बच्चों के लिए। तो बस आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं है कि रोज़ रोज़ बच्चों को बनाकर क्या खिलाना है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके छोटे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस रेसिपी को आप लंच डिनर किसी में भी बनाकर खिला सकते हैं।
और आप इसे सप्ताह में 3 दिन बनाकर आराम से बच्चों को खिला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।